जनजातीय क्षेत्रों में कोविड 19 प्रबंधन के लिए सामुदायिक संचालन और विशिष्ट दिशा निर्देश। हमने स्टेट से यही रिक्वेस्ट की है कि पूरा प्रोसेस, चाहे वे सर्विलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन मैनेजमेंट हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी हो, चाहे वह कम्युनिटी लेवल पर स्क्रीनिंग हो, जैसे कि कई स्टेट ने इस पे ऑलरेडी काम भी कर रही हैं, हर कार्य में, चाहे वह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, यूथ ग्रुप हो और ग्राम पंचायत हो, इन सब के इन्वॉल्वमेंट से हम कार्य करें। साथ ही जरूरी है कि जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कार्य करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा कुछ इन्फेक्शन जो है, अब एक ट्राइबल एरिया में भी काफ़ी कुछ अगर कुछ केसेस नोट हुए हैं, तो जो ये नेटवर्क हम ग्रामीण प्रांतों में बना रहे हैं, यही सिमिलर नेटवर्क हमारे ट्राइबल एरिया में भी काम करे। लेकिन जरूरी है कि ट्राइबल एरिया के कुछ एडिशनल चैलेंजेस को समझते हुए उस पर हमारा एक एडिशनल फोकस रहे, जिसमें मुख्यतः हमने कहा है कि जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम फर्दर उनका सपोर्ट लें। जरूरी है कि वह इस पूरे मूवमेंट को ड्राइव करने में हमें हेल्प करें। साथ ही हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट्स जो होती हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जो फील्ड में जाती हैं, वह अवेयरनेस का कार्य, रेफरल का कार्य, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का कार्य, इन सारे कार्य को साथ साथ माइल्ड इलनेस इन द लोकल विसिनिटी ऑफ कम्युनिटी, उसको करने में हमें सपोर्ट दें। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ऑलरेडी वहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनकी हेल्प भी लें, ताकि हम अपने ट्राइबल एरियाज में भी इस इन्फेक्शन को फैलने से और किसी भी विपत्ति को आने से रोक सकें।